नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। एनसीईआरटी के बुक्स हम लोग पढ़ रहे थे थॉरली, बुक चैप्टर वाइज। क्लासिक्स की एनसीईआरटी की बुक हम लोगों ने शुरू की थी, चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। प्रीवियस वीडियोस में आप एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज चैप्टर 5 पढ़ते हैं। चैप्टर 5 का नेम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस। तो किताबें और जो ब्यूरियल्स होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं इतिहास के बारे में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे ही घंटी बजी, जो शिक्षक थे उन्होंने बच्चों से बोला कि वो उनको फॉलो करें क्योंकि वो सब मिलकर लाइब्रेरी जा रहे थे पहली बार। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जब मैरी जो इमेज में दिख रही हैं, जब मैरी ने लाइब्रेरी के रूम में पहला कदम रखा तो उसने नोटिस किया कि वो उसके क्लासरूम से भी बहुत बड़ा था। And there were so many shelves. और बहुत सारे वहाँ पे shelves थे जिसपे कि बुक वगैरह रखे जाते हैं, जो कि बुक से भरे हुए थे। In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said, "That cupboard has very special books on different religions." एक कॉर्नर पर रखा हुआ था कपबोर्ड, रखा हुआ था जो कि पुरानी पुरानी बुक्स को पुरानी पुरानी बुक से भरी हुई थी, और उस कपबोर्ड में वो बहुत ही स्पेशल बुक्स थे जो कि अलग अलग धर्मों के बारे में बताते थे। डिड यू नो दैट वी हैव सेट ऑफ वेदास? व्हाट आर द वेदास? मैरी वॉन्डर्ड। क्वेश्चन जब पूछा कि क्या तुम जानते हो वेदास, हमारे ही बुक हैं, हमारे ही बुक के बारे में बताया गया, तो मैरी बोलती है कि वेदास क्या होते हैं, आइए ढूंढते हैं। लेट अस फाइंड आउट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। टॉपिक क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी किताबें विश्व भर में। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, वेद कहते हैं जिसे हम लोग। देयर आर फोर ऑफ देम, द ऋग्वेद, द सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। आप सभी ने वेद के बारे में सुना होगा। चार प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो, जो कि 3500 साल पहले बनाया गया था। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सुक्ता और वेलसेट। कितने हाइम्स हैं? 1000 हाइम्स हैं जिसको कि सुक्ता भी बोलते हैं। दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस। ये हाइम्स क्या होते हैं? मंत्र कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, जो कि देवी और देवताओं के बारे में बताए जाते हैं, देवी और देवताओं के गाथाओं के बारे में बताते हैं। थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। तीन भगवान बहुत ही ज़रूरी हैं ऋग्वेद के हिसाब से। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, आग। इंद्रा, अ वॉरियर गॉड, इंद्र जो कि एक वॉरियर हैं। सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर। और तीसरे कौन है? सोम। तो पहले अग्नि, दूसरा इंद्र, तीसरा सोम, जिनकी मदद से जो पेय पदार्थ होते हैं उसको बनाने में हमें मदद मिलती है। दीज हाइम्स वर कम्पोज बाई ऋषिज, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट मेमोराइज ईच सिलेबल वर्ड सेंटेंस बिट बाई बिट विद ग्रेट केयर। ये जो हाइम्स हैं, जो मंत्र हैं, वो ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं, और वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि इसे हमें शब्द बाई शब्द, एक एक शब्द, एक एक छंद, पंक्तियां जो भी हैं वो चीज़ याद करनी है बहुत ही केयर के साथ। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज थॉट एंड लर्न बाई देन। और जो अधिक से अधिक मंत्र और श्लोक हैं वो किसके द्वारा, किनके द्वारा बनाए गए? मैन द्वारा बनाए गए, आदमियों द्वारा बनाए गए, ठीक है। अ फ्यू वर कंपोज बाई वुमेन, और कुछ श्लोक और मंत्र महिलाओं द्वारा भी बनाया गया। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, विच इज डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। जो ऋग्वेद में लिखा गया है वो कौन सी
भाषा में लिखा गया, वैदिक संस्कृत की भाषा में लिखा गया, जो कि बहुत ही भिन्न है आज की संस्कृत से जो कि हम स्कूलों में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ संस्कृत के बारे में बताया गया। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत भाषा जो है वो किस भाषा के परिवार का है, तो इंडो यूरोपियन परिवार का है। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो जितने भी लैंग्वेजेस है वो इंडो यूरोपियन से बिलोंग करते हैं। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इन्हें परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सभी में कॉमन पाए जाते हैं। टेक द वर्ड्स मात्र, संस्कृत में मात्र, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर। डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी? क्या आपको कुछ सिमिलर दिखा? कुछ जर्मन फैमिली। और भी जो भाषाएं अलग अलग राज्यों में और अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो जो नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि आसाम में, मेघालय में, इन सब जो राज्यों में भाषाएं यूज होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो तिब्बत और बर्मन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो भी भाषा झारखंड और सेंट्रल इंडिया में यूज होते हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कितनी फैमिलियाँ होगी? इंडो यूरोपियन एक, तिब्बतो बर्मन दो, द्रविड़ियन तीन और ऑस्ट्रो एशियाटिक चार। चार फैमिलियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। द बुक्स वी यूज आर रिटेन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। जो किताबें आज हम पढ़ते हैं वो लिखा हुआ रहता है और प्रिंटेड होता है। ऋग्वेदा को हम लोग क्या करते थे? उच्चारण रिसाइट सुनते थे और उसका उच्चारण उच्चारण करते थे। और पढ़ने के पढ़ाई जितना पढ़ते नहीं थे ऋग्वेदा को, उतना उसका उच्चारण करके उसके मंत्र के द्वारा जाप किए जाते थे और लोगों द्वारा सुना जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। करीब करीब बहुत सालों द्वारा, 100 सालों में इसको लिखा गया ऋग्वेद को। उसका पूरा कंपाइलेशन होने से पहले 100 सालों तक तो इस बुक को लिखा गया और 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया। धीरे धीरे लिखा गया, यही नहीं कि एक ही बार में सारे जो भी ऋग्वेदा के श्लोक से वो लिखे गए, नहीं ऐसा नहीं है। 100 साल बीत गए, हजारों साल बीत गए इसको लिखने में, और फिर जाके इसको एक इकट्ठा करके प्रस्तुत किया गया लोगों को। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा, इतिहासकारों ने कैसे ऋग्वेदा को पढ़ा? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटेन सोर्सेस एज वेल। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी तथ्यों को जाना जो कि हिस्टोरिकल साइट्स पे मिले, और उन्होंने कैसे ऋग्वेदा को पढ़ा, आइए जानते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। कुछ श्लोक और मंत्र तो ऐसे थे जैसे कि बातचीत के दौरान इस्तेमाल हुए हों। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेस। जो बातचीत हो रहे थे वो एक विश्वामित्र थे, साधु थे, और दो रिवर ब्यास और सतलज थे, जो कि इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई उसके बेसिस पे हाइम को बनाया गया है, श्लोक्स को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाई गई है। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथों द्वारा लिखा हुआ पेज फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदास। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। ये कहाँ फाउंड हुआ था? कश्मीर में फाउंड हुआ था 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन। इट इज़ नॉट प्रिजर्व इन लाइब्रेरी इन पुणे और महाराष्ट्र में। ठीक है,
तो इसको अभी कहाँ रखा गया है? पुणे महाराष्ट्र में रखा गया है, और इसकी मदद से ऋग्वेदा को बनाने में भी मदद हुई थी। आगे लिखा है विश्वामित्रन रिवर के बारे में दिया है, तो एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आप लोग थॉरली पढ़िएगा। विश्वामित्र दो नदियों से बात करते हैं, क्या लिखा है? ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस। निकल कर आइए, जैसे कि घोड़े तेज दौड़ते हैं वैसे, या फिर जो गाय होती हैं बड़े प्यार से अपने बच्चों को सहलाती हैं। यू मूव लाइक चैरियट थ्रू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। तो ये सब क्या है? ये सब स्टोरी दी हुई है विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में, बीच में बातचीत हो रही है, तो इसको विश्वामित्र जो रिवर है उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, कैसे रिवर्स एक्ट करते हैं, रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के जीवन में, क्या इफेक्ट डालता है, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं, बस इसमें जान लेंगे कि किसके बारे में किसके बीच में बातचीत हुई थी, तो विश्वामित्र और दो रिवर थे, व्यास और सतलज। अब देखिए कैटल हॉर्सेस और चैरियट के बारे में बात की गई है। देयर आर मैनी पीरियड्स इन द ऋग्वेदास फॉर कैटल चिल्ड्रेन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। बहुत सारे ऐसे भी प्रार्थनाएं रहीं ऋग्वेद में जिसमें कि चिल्ड्रेंस के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए प्रार्थना की जाते थे कि जो वारिस हो वो लड़का हो, या फिर कैटल्स के लिए भी होते थे प्रार्थनाएं जैसे कि गाय वगैरह के लिए और घोड़ों के लिए भी। हॉर्सेस वर योक्ड टू चेरियोट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स। घोड़े का इस्तेमाल होता था चैरिट बनाने में, जिसको कि हम लोग लड़ाई में यूज़ करते थे, ठीक है, और उनका यूज करते थे किस लिए? तो कैटल्स को जो होते हैं उनको कैप्चर करने के लिए। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, लड़ाइयाँ किसके लिए हुई? कैटल्स के लिए भी हुई, ज़मीनों के लिए भी, लैंड के लिए भी, विच वॉज इंपॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप दैट रेपन क्विकली सच एज बार्ली। तो लड़ाइयाँ ज़मीनों के लिए भी हुई, लैंड के लिए भी हुई, किस लिए? क्योंकि उस ज़मीनों पर क्या किए जाते थे, तो जो भी हार्डी क्रॉप्स थे जैसे कि बार्ली वगैरह थे उनको उगाया जाता था। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ ऐसी भी लड़ाइयाँ हुई जो कि पानी के लिए लड़ गए थे और लोगों को कब्जा करने के लिए लड़ गए थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाई द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। जब भी लड़ाइयाँ होती थी तो जो जीत जाता था वो सारे सामान को, जो भी वेल्थ थे उसको इकट्ठा कर लेते थे, इकट्ठा करके कुछ नेताओं द्वारा रख लिए जाते थे, कुछ साधुओं में बांट दिया जाते थे, कुछ लोगों में बांट दिए जाते थे। आगे लिखा है सम वेल्थ वर यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इन टू द फायर, और कुछ ऐसे भी पैसे वगैरह होते थे, वेल्थ होता था जिसका कि इस्तेमाल किस लिए किए जाते थे, तो यज्ञ वगैरह के लिए किए जाते थे, ठीक है, जो कि ऑफरिंग्स वगैरह जो भी सामान होते थे यज्ञ के उसको आग में डाला जाता था, सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है। तो इतना ये सब इस्तेमाल किए जाते थे, दीज ये रिसोर्सेज की बात की जा रही है, कैटल हॉर्सेस चैरियट लैंड मनी वेल्थ इन सब चीज़ों के बारे में बात करी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता था। तो कुछ लीडर्स ले लेते थे, कुछ पब्लिक को दे दिए जाते थे, कुछ प्रीस्ट को दे जाते थे, कुछ पूजा पाठ में लग जाते थे। मतलब कि जो कि चढ़ावा होता था भगवान को, देवी देवताओं को दिए जाते थे, जैसे कि घी हो गया, अनाज हो गया, कभी कभी जानवरों की भी बलि दी जाती थी। मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर्स एंड पीस। जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें अधिक से अधिक आदमी ही रहते थे, मैन रहते थे, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स आर्मी नहीं रहता था, लेकिन उस समय संसद होते थे, असेंबलीज होती थी, जहाँ पे लोग मिलते थे और लड़ाइयों के बारे में बातचीत करते थे, क्या कैसे प्लानिंग करना है, कैसे लड़ाई करना है, कैसे पीस हो, कैसे शांति हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते थे। वो अपने नेताओं को भी चुनते थे उस समय जो कि बहुत दृढ़ रहते थे और निपुण रहते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, नेक्स्ट टाइटल है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल की, लोगों के बारे में बातचीत करेंगे। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, बहुत सारे तरीके हैं उस उन समय के लोगों के बारे में बात करने के लिए, इन टर्म्स
ऑफ द वर्क दे डू द लैंग्वेज दे स्पीक, क्या वह काम करते थे, क्या भाषाएं बोलते थे, किस परिवार से वो बिलोंग करते थे, किस जगह पर वो रहते थे, कैसे समुदाय थे उनके, क्या उनके सांस्कृतिक अभ्यास थे, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। चलिए हम कुछ शब्दों को देखते हैं जो कि हमें बताएगा कि किस हिसाब से लोग रहते थे ऋग्वेदा में। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। दो तरीके के लोग रहते थे, उनके काम के हिसाब से जानेंगे। पहला द प्रीस्ट समटाइम्स कॉल्ड पर ब्राह्मिन्स, प्रीस्ट कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, जिनको कि ब्राह्मिन्स भी कहा जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स एंड राजास, ठीक है, जो कि बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, पूजा पाठ के कार्यक्रम करते थे। दीज राजास, उनको राजास भी कहा जाता था। दीज राजास वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज पैलेसेस एंड आर्मी, नॉट दे कलेक्ट टैक्सेस। ये ऐसे राजा थे जिनके पास कि बहुत सारे शहर नहीं होते थे, साम्राज्य नहीं होता था, आर्मी नहीं होती थी, ना ही ये पैसे को टैक्स को कलेक्ट करते थे, कर को कलेक्ट करते थे। जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजा। और क्या होता था, जो लड़के होते थे वो अपने बाप पिता की जहांगीर, अपने पिता की वारिस नहीं बनता था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल। दो शब्द काफ़ी होंगे उस समय के लोगों को और समूह के बारे में बताने के लिए। वन वॉज द वर्ड जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। एक शब्द है जन, जिसका कि अभी भी हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, अदर और अधिक अभी दूसरे भाषाओं में इस्तेमाल करते हैं। द अदर वॉज विस। तो पहला शब्द है जन, दूसरा है विस। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विस। जो शब्द वैश्य है वो कहाँ से आया, तो किस शब्द से आया, विस वर्ड, विस शब्द से आया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर सिक्स। आप इसके बारे में चैप्टर सिक्स में पढ़ेंगे अधिक। सेवरल विस और जन आर मैंशनड बाई नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जन और विस, द भारत जन और विस, द यादव जन और विस, एंड सो ऑन। बहुत तरीके के विस और जन, बहुत तरीके के नाम को विस और जन में मेंशन किया गया है। पुरु जन और विस हैं, जैसे भारत जन और विस हैं, और यादव जन और विस हैं, और भी कई तरीके के नाम ऐसे पाए जाएंगे। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड सिमिलर? क्या इन सब में से कोई भी नाम आपको पारिवारिक या फैमिली एक साथ एक जैसा लगा? समटाइम्स द पीपल हु कंपोज हाइम्स डिस्क्राइब। उन्होंने श्लोकों का निर्माण किया ऋग्वेद में, वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्यास कहते थे, और वो अपने विपक्षी को क्या कहते थे, दशास कहते थे या फिर दस्युस कहते थे। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये वो लोग थे जो कि त्याग के जो भी अभ्यास होते थे तो उस समय वो चीज़ें नहीं की थी और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। लेटर द टर्म दसास एंड द फेमिनाइन दसी केम टू मीन स्लेव। उसके बाद क्या हो गया, जो उनके विपक्षी थे दास, और जो दास एक मैस्कुलिन वर्ड है और फेमिनाइन वर्ड इसके कहते हैं दासी, तो उनको बाद में क्या कहा जाने लगा, स्लेव कहा जाने लगा। स्लेव मतलब कि बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु आर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर। और बंधुआ मजदूर कौन रहते थे, स्लेव कौन होते थे, स्लेव वही आदमी और औरत होते थे जिनको कि वार में हरा कर उनको बंधक बनाया जाता था। देवर ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ऑनर हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड। वो एक तरीके से जागीर माने जाते थे अपने मालिक के, और उनसे जो करवाना चाहे आप करवा सकते थे। वाइल द ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सम कॉर्डिनेट, देर वर अदर डेवलपमेंट इल्सवेयर, लेट अस लुक एट सम दीज। वैसे तो जो ऋग्वेद की संरचना हुई है वो कहाँ पे हुई है, उत्तर पूर्व में हुई है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ऋग्वेद के पार्ट्स हैं जो कि और भी अलग जगह पे बने हुए हैं। साइलेंट सेंटिनल द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, ये तो पत्थर के बारे में इसमें बात करेंगे। दी स्टोन्स बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको मेगालिथ कहते थे। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरल साइट्स। उनको एक व्यवस्थित तरीके से लोगों द्वारा रखा जाता था कि
क्यों? क्योंकि वो एक ब्यूरियल साइट्स बनाना चाहते थे, ठीक है। ब्यूरियल साइट मतलब कि जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता था। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो एंड वॉज प्रिविलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड काश्मीर। तो जो मेगालिथ्स थे उनके उनको इकट्ठा करने का अभ्यास और अधिक से अधिक बड़े पत्थरों को जुटाना, इन सब चीज़ों की शुरुआत 3000 साल पहले ही हो चुकी थी। जो डेक्कन था, साउथ इंडिया, जो अभी की दक्षिण भारत को कहते हैं, उन सब जगहों पे इसकी अभ्यास हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट में हो रही थी और काश्मीर में भी हो रही थी। अगला लिखा है, आगे पढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप टू, पेज नंबर 14। अपने पेज के 14वें पेज पे देखेंगे तो मैप टू में कुछ बड़े बड़े मेगालिथिक साइट्स दिए होंगे। सॉरी। सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। लिखा है, ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। सभी ब्यूरियल साइट्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते थे। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो जो भी मरे हुए लोग होते थे उनको दफनाया जाता था, ये तो पहले ही बोल दिया, लेकिन कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीति रिवाजों से, कहीं कहीं किसी को पॉट के साथ ही दफना दिया जाता था, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर कहते थे। ऑल्सो फाउंड और टूल्स एंड वीपन्स ऑफ आयरन समटाइम्स स्केल्टन, ठीक है। तो कहीं कहीं जिन लोगों को दफनाया जाता था पॉट, किसी को पॉट के साथ दफनाया जाता था, किसी को किसी औजार के साथ दफनाया जाता था, किसी को किसी हथियार के साथ दफनाया जाता था, किसी को घोड़ों के साथ दफना दिया जाता था, किसी को हुआ। यहाँ पे आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरियल्स, तो बड़े बड़े जो भी दफन करने के जो स्थान थे, बड़े बड़े पत्थरों द्वारा जो बनाए गए थे, उसमें क्या चीज़ें पाई गई, तो कभी कहीं कहीं घोड़े के इक्विपमेंट्स पाए गए, कहीं कहीं कुल्हाड़ी पाई गई। तो इन सब अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग रीति रिवाज थे ये सब। ये देखिए सारे सामान का ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब सामाजिक विविधताएं क्या थी, ठीक है। तो देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। जो भी हड्डियां पाई गई वो किससे बिलोंग करती थी, जो वहाँ जो जिस व्यक्ति जो व्यक्ति मरा था उसी उसी से पाई गई। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली, ठीक है। जो भी मृत शरीर की हड्डियाँ पाई गई और जो सामान पाए गए, आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि वो सामान किसके थे, उस मृत व्यक्ति के थे। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अदर। कभी कभी कुछ अधिक चीज़ें पाई जाती थी किसी एक ग्रेव में, ठीक है। ग्रेव मतलब किसी एक कह सकते हैं कब्र में, ठीक है। और किसी में किसी एक कब्र में कम सामान पाए जाते थे, किसी एक में अधिक सामान पाए जाते। तो अलग अलग रीति रिवाज थे, अलग अलग हैसियत के हिसाब से इन सब चीज़ों की खाना पूर्ति होती थी, ठीक। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वर सम स्मॉल डिफरेंसेज इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, ठीक है। हमने कहा ना कि हैसियत के हिसाब से कुछ कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे। फॉर सम बुरल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, क्या कोई जो दफन करने के जगह थे, कब्रगाह थे, वो किसी एक परिवार के लिए भी सीमित थे, बने हुए थे स्पेशली। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, दीज इंडिकेट दैट पीपल पर हैज बिलोंगिंग टू सेम फैमिली वर बुरिड इन द सेम प्लेस तो नॉट एट द सेम टाइम। कभी कभी क्या होते थे, एक ही कब्र में दो दो लोगों को दफन कर दिया जाता। लिखा है ना, मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, ठीक है। तो दीज बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्थ होल्स, स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस ऑन द सर्फेस प्रॉबेबली द पीपल सो पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि जो उनकी उनको दफन कर देंगे, दफन करने के बाद वो एक जगह से दूसरे जगह पे अब जब भी उनका मन करेगा तो वो जा सकेंगे। आगे क्या लिखा है, स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। एक इनाम गांव एक गांव है जहाँ पे एक अलग तरीके का दफन करने का जो कब्र था और रीति रिवाज चल रहे थे। क्या लिखा है, डीज साइट ऑन द रिवर गोंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा।
यह एक साइट है किस नदी पे, गौड़ नदी के किनारे पे, जो कि भीमा नदी के एक सहायक नदी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। क्या लिखा हुआ है, इसको हमने ऑक्यूपाइड किया था 3600, मतलब 3600 टू 2700 ईयर्स के बीच में। हियर अडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पे क्या होते थे, जो बड़े लोग होते थे, अडल्ट होते थे, उनको दफन किया जाता था। अडल्ट मतलब 1824। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। समटाइम्स बेरल्स वर विद इन द हाउसेस, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर और प्लेस्ड विद द डेड। जिस वेसल्स में दफन किए जाते थे, ठीक है, उनके साथ खाना पानी सब चीज़ रखी जाती थी मृत शरीर के द्वारा। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ ए 5 रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट। किसी एक कोर्टयार्ड था, सबसे बड़ा था वो साइट पे। इन द सेंट्रल ऑफ द सेटलमेंट, सबसे जो जगह थी उसके एकदम मध्य में, दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन ए क्रॉस लेग्ड पोजिशन। वॉट इज स्केलेटन स्टडीज टेलर्स। ऑक्यूपेशन सेट इनाम गाँव। अब इनाम गाँव के लोग करते क्या था, फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, ये सब खेती बाड़ी करते थे और कुछ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे ढूंढा है वीट, गेहूँ को ढूंढा है, उसको दाल को ढूंढा है, पीस को ढूंढा है, चावल को ढूंढा है। तो क्या एक तरीके खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे इनाम गाँव के लोग। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शोन दे मे हैव बीन यूज एज फूड। कई सारे जानवरों की हड्डियाँ भी मिली, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानवरों को भी मार के खाया जाता था। दिस इंक्लूड कैटल, बुफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पीक, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, ईयर एंड मंगूस। ठीक है, तो ये सब जानवर थे। देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बर, अमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटीज ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड। तो ये सब भी चीज़ें वहाँ पे पाई गई। फलों में अमला आमला था, जामुन थे, छुआड़ा था, डेट जिसको कहते हैं, बेरीज, ये सब भी वहाँ पे पाई गई। ये चाइना का कुछ दिक्कत दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नहीं है। कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर में, क्या है। वेद के बारे में बताया गया, वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भाषा क्या थी वो बताया गया, श्लोक्स कितने थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई। कैसे श्लोक थे, चैरियोट, सैक्रिफाइस, राजा, स्लेव, मेगालिथ, ब्यूरियल, स्केल्टन और आयरन के बारे में बताया गया। तो चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। कैसा चैप्टर लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।